दोस्तों स्टॉक क्रेज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं दोस्तों तीन स्टॉक मैं आपको बताता हूं, ठीक है, जो केमिकल और फार्मा सेक्टर सेक्टर की हैं। आप इन पर नजर बना सकते हैं, ब्रेकआउट है, ठीक है, या ब्रेकआउट के एकदम भर्ज पे खड़ा है, मतलब एकदम ब्रेकआउट होने की पैदान पर खड़ा हुआ है। कभी भी इसके अंदर ब्रेकआउट हो सकता है, और आपको मालूम है जब ब्रेकआउट होता है तो क्या होता है, एक बड़ा सा कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है, यानी जनरली 5% से 7-8-10% का ही कैंडल बनता है, ठीक है। तो आप इस पर नजर बनाकर रख सकते हैं, कल के सत्र में आपको नजर आएगा। तो चलिए मैं बताता हूं पहला स्टॉक कौन सा है, और मैंने बहुत पहले भी इन लोगों के ऊपर वीडियो में कंटिन्यूअस वीडियो बना रहा हूं कि अगर इन्वेस्ट करना है, पैसे को सही सलामत रखना है, पैसा भी कमाना है, तो इन स्टॉक पर नजर बना के रखिए, ठीक है। केमिकल सेक्टर की कंपनी है, केमिकल सेक्टर में 10 में से 9 कंपनियां मल्टीबैगर है। ये कोई भी केमिकल कंपनी उठा लो आप, आने वाले वक्त में पैसा बनेगा ही बनेगा, ठीक है। मैं जिस स्टॉक के बारे में बता रहा हूं उसका नाम है दीपक नाइट्राइट। ये देखिए डे टाइम फ्रेम लगा कर रखा हुआ है, और ये जो पैटर्न है इसको हम 3EMA पैटर्न है, यानी इसमें 3 लॉन्ग डिस्टेंस की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का मैंने इस्तेमाल किया है प्राइस को स्टडी करने के लिए। एक बार याद दिला दूं कि नीचे वाली जो लाइन है ये 200 डेज की EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, यानी एक साइकोलॉजिकल लेवल है ये। येलो वाली लाइन 150 डेज की है, और रेड वाली लाइन जो है ये 100 डेज की EMA है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, पिछले आपको चार्ट पर आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि ये वो जोन है जहां पर बार बार जाके ये रिटर्न आ जा रहा था, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं ये वो जोन है जहां पर जाकर, यहाँ पर देख सकते हैं कितना दिन तक यहाँ पर इसने रेसिस्टेंस लिया, उसके बाद से नीचे आया, यहाँ पर ट्रैप किया सब लोगों को, फिर वापस इसी लेवल के पास गया, इस कैंडल पर भी ब्रेकआउट का तौर पे ट्रैप किया, फिर लेके आया, फिर यहाँ पर भी ट्रैप करने की कोशिश किया, फिर नीचे लेकर आया, और इसी लो को फिर वापस इसने रेस्पेक्ट किया, और वहां से रैली किया, फिर लेकर गया, फिर एक छोटा सा कप जैसा बनाया। अगर इस पैटर्न को देखेंगे तो कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बना, ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट को सस्टेन किए हुआ है। अगर हम इसको सही तरीका से, अगर हम 2600 के आंकड़ा को ब्रेकआउट पर हम पकड़े तो देखिए इतने दिन का कैंडल किसी भी दिन 2600 के पास आया, नीचे आया ही नहीं, क्लोजिंग ही नहीं हुआ, आता है वीक बनाता है, प्राइस डाउन होता है, और फिर प्राइस ऊपर की तरफ ही चला जाता है। अब ये जैसे 2740 का लेवल को निकालेगा ये रॉकेट बनेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि जो पहले ये रेसिस्टेंट ले रहा था, अब यही इस रेसिस्टेंट इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, 2600 का लेवल इसके लिए सपोर्ट काम कर रहा है, वीक बना रहा है, नीचे आ रहा है लेकिन वापस भाग जा रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है वापस भाग जा रहा है। आज भी इसके अंदर 2% की तेजी रहा, और जैसे ये 2740 के ऊपर निकालेगा, अब ये टारगेट अपना 3000 के पास लेकर जा रहा है। प्रीवियस इसका ऑल टाइम हाई क्या है एक बार वो भी हम लोग देखते लेते हैं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कितना। देखिए प्रीवियस स्विंग हाई जो इसने बनाया था ये है 3000 का लेवल का, और ये कब बनाया था जरा ये भी आप देख लें, 1 अक्टूबर 2021 को, यानी लगभग 3 साल पहले का बना हुआ है। और मंथली चार्ट पर भी देखेंगे, मंथली चार्ट मैंने कन्वर्ट कर दिया, मंथली चार्ट पर भी देखेंगे तो मंथली में ये 2500 के लेवल को ब्रेकआउट इन्होंने दे दिया है, जिसको बार बार ये इतने महीने तक रेसिस्टेंट फेस कर रहे थे, ब्रेकआउट दे दिया है। अब धीरे धीरे वापस ये 3000 के लेवल को टच करने के लिए जा रहा है। 3000 के लेवल पर भी नहीं रुकेगा, क्योंकि अब केमिकल स्टॉक में तेजी ऐसे आएगी, और बजट के अनाउंसमेंट होने दीजिए, बजट के बाद तेजी की पूरी संभावना है। तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, 1 ईयर का टारगेट लेकर, 2 ईयर 3 ईयर का टारगेट लेकर भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हैं। जैसे ये 2740-45 से ऊपर निकले, जैसे ये 2740-45 से ऊपर निकले, क्योंकि निकलेगा ही निकलेगा, और जिस दिन निकलेगा बड़ा कैंडल बना के, इस तरीका का कैंडल बना के निकलेगा, तो इसमें आप अपनी पोजिशन बना सकते हैं, और 2800-2850 का 2900 का टारगेट लेकर आप अपना बना सकते हैं दोस्तों। दूसरा मेरा स्टॉक है फार्मा सेक्टर की डिवीज लैब, जो मैं काफी पसंद करता हूं और मैं अच्छे खासे पर बैठा हूं। देखिए इसके अंदर क्या जबरदस्त, यहां पर देख रहे हैं कैसे रेसिस्टेंट का जमावड़ा हो रहा है, यहां पर कैसे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। और ये कैंडल देखेंगे तो किसी भी दिन ये 4400 के नीचे आया ही नहीं, 4400 को भी टच नहीं किया। ये बॉक्स देखिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे ड्राबक्स बॉक्स बन रहा है यहाँ पर, हाँ सही बात है, ठीक है, ड्राइवर्स बॉक्स बन रहा है, ऊपर तोड़ के निकलेगा एकदम धमाकेदार। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीका से तेजी बना हुआ है,
और आज के दिन और मूविंग एवरेजेस का यहाँ पर देखिए क्रॉसओवर होने के बाद एक बार इस लेवल को जब इन्होंने ब्रेकआउट दिया, इस लेवल को ब्रेकआउट दिया लेकर ऊपर गए और ऊपर ही अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ये 4625 के लेवल को ऊपर निकालेगा इसके अंदर जबरदस्त तेजी आ सकता है। इसके अंदर आप साल डेढ़ साल का टारगेट लेकर चल सकते हैं उतना दिन तक होल्ड करने का। और जरा हम मंथली में एक बार जाकर देख लें कि भाई इसका ऑल टाइम हाई क्या पहले बना हुआ था, ये देख सकते हैं। जब यहां पर देखेंगे तो सिमिलर उसी की तरह दीपक नाइट्राइट की तरह यहाँ पर भी 4500 4600 रुपया का मंथली पर यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। और मंथली इन्होंने बनाया था यहाँ पर जो कि मंथ का ये टारगेट है आपका, ये है 1 अक्टूबर 2021 को इन्होंने बनाया था 5500 का। अब ये 5500 के लेवल को जाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में आप स्विंग ट्रेड अगर करके प्रॉफिट अगर कमाना चाहते हैं या जो भी आपकी ट्रेडिंग का नेचर हो, जैसे ही अब ये ठीक है कल के सत्र में जैसे ही ये अब 4625 के लेवल को निकाले आप इसमें अपनी पोजीशन बना ले और 4800 तक का टारगेट लेके जा सकते हैं। क्योंकि एक तोड़ेगा तो एक बड़ा कैंडल के साथ में ही तोड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि जब भी ब्रेकआउट होता है तो क्या होता है, एक बड़ा कैंडल के साथ में ब्रेकआउट होता है। और जिस तरीके का रेसिस्टेंट यहाँ पर जम रहा है एक बड़ा कैंडल ही बनेगा, 6 से 7% 8% का वाला एक बड़ा कैंडल बनाकर ही इसको निकालेगा। तो दूसरा स्टॉक हो गया मेरा डीवीज लैब। तीसरा स्टॉक है हिमाद्री केमिकल। हिमाद्री स्पेस केमिकल जो है HSCL के नाम से लिस्टेड है। यहाँ पर डे टाइम फ्रेम है। यहाँ पर देखिए चार्ट सीखने का क्या बेहतरीन तरीका है। यहाँ पर देखिए क्या जबरदस्त इनका ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया इन्होंने, मूविंग एवरेजेस का हुआ लेकर गया। यहाँ पर देखिए कैसे जबरदस्त तरीका से इन्होंने कंसोलिडेट करते रहा, वहां से डाउनफॉल आया नीचे की तरफ। और जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि ये लाइन जो है ना स्टेशन का एंट्री है, क्या जबरदस्त स्टेशन का एंट्री यहां पर मिला था। ये एंट्री है ब्रेकआउट एंट्री है, जैसे मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूं। और इन लाइन के बीच का एंट्री क्या है, हमारा स्टेशन एंट्री है। मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूं, यहां पर किसी भी दिन यहां पर भी एंट्री ले लिए रहते, यहां पर भी ले लिए रहते, यहां पर ले लिए रहते, यहां पर भी ले लिए रहते, तो देखो किसी भी दिन आपका एसएल हिट नहीं होता। ये जब आपको देगा तो प्रॉफिट ही देगा। और अब देखो यहाँ पर धीरे धीरे कंसोलिडेट करके यहाँ पर रुक के इसको ऊपर निकाला और वापस 400 लेवल को सपोर्ट बना हुआ है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं 400 का एसएल लगाकर अब इसमें हाई बना सकते हैं, अपना एक नया हाई बनते हुए जाएगा। अगर आपके पास साल दो साल का टाइम है तो आप इसके नीचे का एसएल लगा के आप इस रैली को एंजॉय करो। केमिकल सेक्टर में जल्दी ही बहुत अच्छा खासा पैसा बनेगा, ठीक है। और HClO केमिकल बनाता है, स्पेशलाइजेशन है इसका, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में बैटरी वगैरह के इलेक्ट्रिकल बैटरी का प्रोसेस तो कहीं ना कहीं होना है ना। तो इंडिया में दो ही है, टाटा केमिकल और HCL केमिकल अभी तक है। तो ये उस तरह का काम करते हैं लोग, तो इसमें आगे फ्यूचर में भी बहुत अच्छा ग्रोथ है। आप इस पर भी नजर बनाकर रख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।